बिहार के डीजीपी ने आज भागलपुर के एनटीपीसी कहलगांव के थाने की सिपाही महिला कांस्टेबल है कविता कुमारी, उससे बात किया है, उससे बात करके उसके हौसले को अफजाई किया है, उससे बात करने के बाद उनके परिवार का हाल जानने का प्रयास किया है। डीजीपी ने कहा कि ऐसे लोग जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उसे सख्ती से पेश आना है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं, जो खाने पीने की सामान हैं, पत्रकार हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको कहीं तकलीफ नहीं हो, उनको कहीं दिक्कत नहीं हो, लेकिन जो मटरगस्ती करने वाले लोग हैं, जो लफंगे सब हैं, उसको छोड़ना भी नहीं है, सख्ती से पालन कराना है। कविता कुमारी से बात करते हुए सिपाहियों का हालचाल जाना है बिहार के डीजीपी ने, बात किया है बिहार के डीजीपी ने। हेलो, मैं डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। जैन सर, कहाँ ड्यूटी है आपकी? सर मेरी भदेल चेक पोस्ट पे है, एनटीपीसी थाना। लॉकडाउन को ठीक से आप लोग चला रहे हैं? जी सर। और नाजायज जो गाड़ी लेकर चल रहे हैं, नाजायज घूम रहे हैं, उन लोगों को आप रोक टोक कर रहे हैं? जी सर, जो बिना मतलब के चल रहे हैं, जैसे लफंगे हो गए, उनको सर किसी को पीटा भी जाता है, किसी को उठक बैठक भी हम लोग करवाते हैं। पीटने के लिए मत हमने कहा था, लेकिन उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो बाहर न घूमे। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराना है, लेकिन जिनको पास दिया गया है, इमरजेंसी सेवा के लोग हैं, आवश्यक सेवाओं के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, इनके साथ किसी तरह की कोई गलती हम लोगों से नहीं होनी चाहिए। ये बात समझाया गया आपको? जी ना? सर, जी सर। अच्छा, और बताइए कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत कठिन समय है। जी सर। आपका नाम क्या है? कविता कुमारी, सिपाही संख्या 747। सिपाही संख्या 747, कैप्टन कविता कुमारी। जी सर। तो कहाँ आपकी पोस्टिंग है? एनटीपीसी थाना कहलगांव भागलपुर। तो वहाँ चेक पोस्ट पर मुस्तैद है, क्या क्या परेशानी आप लोगों को होती है? सर परेशानी तो मतलब ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ा गांव का इलाका है तो लोग यहाँ, और एनटीपीसी है तो यहाँ इमरजेंसी ड्यूटी उन लोगों की रहती ही है, तो वो लोग जाते ही हैं, और कुछ लफंगे होते हैं वो तो घूमते ही रहते हैं, कितना भी आप मना कीजिए, हमारे सामने आते हैं तो मास्क लगा लेते हैं और चले जाते हैं तो खोल लेते हैं। नहीं तो हमें देखते हैं, लफंगे को घूमने नहीं देना है, लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना है। कोरोना महासंक्रामक बीमारी है, खुद भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है और अपने बचना भी है, और अपने घर वालों से बातचीत करते रहती हैं? जी सर। घर में लोग चिंतित रहते होंगे तो उनको अपना समाचार बताते रहना है। जी और सर। किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं सर? कोई अगर तकलीफ हो तो आप अपनी बात पुलिस मुख्यालय को, पुलिस मुख्यालय का नंबर है, उसके माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकती हैं। और महिला, जो जितनी भी महिला पुलिसकर्मी हमारे विभाग में हैं, सिपाही हैं या कोई अधिकारी हैं, उन लोगों के बीच में जागरूकता भी फैलाने का काम करना चाहिए, उन लोगों को भी बताना चाहिए। और मेरी तरफ से आप जितनी भी महिला पुलिसकर्मी इस संकट की घड़ी में अपनी ड्यूटी पर इतनी मुस्तैदी से तैनात हैं, बिहार की 12 करोड़ जनता का प्यार आशीर्वाद आपके साथ है और मेरी पूरी ताकत आप लोगों के साथ है। और ये सेवा करने का मौका है जी, तो सर। सेवा करना है, केवल लाठी नहीं भागना है, जनता का सेवा करना है, जो गरीब हैं, मजबूर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, किसी को दवाई चाहिए, किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, तो जो सेवा का काम जितना बन सके अपनी जगह से कीजिए ताकि पुलिस की छवि सकारात्मक बने, सब लोगों के मन में पुलिस के प्रति इज्जत का भाव पैदा हो। पुलिस के लिए जनता के दिल में इज्जत पैदा करना है, जनता का दिल सेवा से जीतना है। जी ठीक है बाबू। जी सर ठीक है। जी सर, खूब ड्यूटी पर लगे रहिए, मन से काम करिए, अपने घर के लोगों से, माँ पिताजी परिवार के बाकी लोग जो है, सब लोगों से बातचीत करके अपना समाचार देते रहिएगा, क्योंकि वो लोग चिंतित रहते होंगे। ठीक है जी सर। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम क्या है? कविता कुमारी। अभी कहाँ पर कार्यरत हैं? एनटीपीसी थाना कहलगांव। क्या आपकी बात बिहार के डीजीपी से हुई है? हाँ हुई है।
उन्होंने क्या क्या कहा है? उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मेरे घर वालों के बारे में पूछा मैं कहाँ पे कार्यरत हूँ अभी और ड्यूटी के दौरान क्या क्या परेशानियाँ हो रही है, ये सब उन्होंने पूछा। कोरोना जैसी महामारी पर क्या कुछ निर्देश दिए हैं? हाँ, उन्होंने निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन का कैसे पालन करवा रही है? जब ऑन ड्यूटी रहते हैं तब जो लोग जाते हैं उन्हें हम बताते हैं कि आप मास्क पहन के चलिए, जो मास्क नहीं पहनते उन्हें हम बोलते हैं आप मास्क पहन के चलिए, घर पे जाते हैं तो हैंड वॉश कीजिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, सैनिटाइजर है तो उसको यूज करते रहिए टाइम टू टाइम। कैसा महसूस कर रहे हैं आप बिहार के डीजीपी से बात करते हो? मुझे गर्व महसूस हो रहा है। जब आपको उन्होंने फोन किया तो आपने क्या कहा? जब उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने पूछा कौन बोल रहे, तो उन्होंने कहा मैं बिहार का डीजीपी बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने उन्हें जय हिंद बोला। कोरोना से सुरक्षा के लिए क्या कर रही है आप? हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं, ड्यूटी ऑफ होता तो जाते हैं हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइजर पास में रखते हैं, टाइम टू टाइम सैनिटाइज अपने हाथ में करते रहते हैं। महिला सिपाही कैसे जागरूक कर रही है? जो महिलाएं हमें ऑन ड्यूटी मिलती है उन्हें हम कहते हैं कि बिना मतलब का घर से बाहर नहीं निकलिए, अगर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, घर पे जाते हैं तो हैंड वॉश कीजिए, मास्क पहनिए।